दोस्तों, जिस प्रकार से सिर्फ ईंट जोड़ने से घर नहीं बनता, उसके लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से सिर्फ मेहनत करने से कोई क्रिकेटर नहीं बनता, उसके लिए एक माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है। अपने प्रैक्टिस में क्वालिटी लाना पड़ता है, अपने अंदर वो जज्बा, वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही बात करने वाला हूँ कि क्रिकेट के लिए आपका मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, आपका मोटिवेशन कहाँ से आना चाहिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करने की कोशिश की है। तो पॉइंट वन से मैं शुरू करूँ तो क्रिकेट क्या है। क्रिकेट बहुत सारे लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो आपको ज़िंदगी जीना सिखाती है। खैर शुरू इतना डीप तक भी नहीं जाते हैं, और ये कोई स्पिरिचुअल चैनल भी नहीं है, ये क्रिकेट का चैनल है, तो क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें काफ़ी सारे छोटी छोटी चीज़ें होता है, जिसको आपको समझ के अपने गेम में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और तब जाके आपका गेम इम्प्रूव होता है। ऐसे ही आप अगर प्रैक्टिस करते रहे कुछ सोचे समझे बिना, एक मोटिवेशनल वीडियोज़ देख के, तब आपका गेम कभी इम्प्रूव नहीं होगा, इम्प्रूव होने के बजाय बिगड़ जाएगा। ऐसा होता है ना कि मेरे ज़िंदगी में एक गोल है, उसको मैं हर हाल में पा के ही रहूँगा, चाहे आंधी आ जाए या तूफान, कोई मुझे रुकने वाला नहीं, मैं उस तक पहुँच के ही रहूँगा। इस पर आपका वीडियोस देख के आप अगर प्रैक्टिस करने लगे बिना रुके बिना थके, तो आपका गेम कभी इम्प्रूव नहीं होगा। आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगी और गेम इम्प्रूव होगा। इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियोस आपको बोर्ड एग्जाम में काम आता है। जब एक दो महीने होता है एग्जाम तक, तब आप पढ़ाई करते हैं वो मोटिवेशनल वीडियोस देख देख के। क्रिकेट कोई शॉर्ट टर्म नहीं, आपको लॉन्ग टर्म तक सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मोटिवेशन अपने अंदर से आना पड़ेगा, तब जाके आपका गेम इम्प्रूव होगा। अब बात आता है कि अपने अंदर से मोटिवेशन कैसे आएगा। आपको अपने अंदर से मोटिवेशन तभी आएगा जब आपको किसी भी चीज़ की समझ होगी। मतलब किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपके दिमाग में क्लियरिटी होगी, तब आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे। तो क्लियरिटी लाने के लिए आपको उस चीज़ को अच्छे से समझना ज़रूरी है, मतलब कि आपके अंदर समझ होना ज़रूरी है, तभी जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और जाके आप अच्छे से कर पाओगे। तो क्रिकेट भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। आपको हर वो छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा, समझने के बाद आपको उसके लेकर क्लियरिटी होगी, और क्लियरिटी जब होगा तब आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ। तो ये सारे चीज़ें कैसे आएगा आपके अंदर, इसकी बात अभी करता हूँ बिल्कुल डिटेल में। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डाइट, यानी कि आपका खान पान। अगर आपका डाइट सही नहीं होगा, तब आपके अंदर एनर्जी कहाँ से बचेगी, तो आप अच्छे से नहीं खेल पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने डाइट के ऊपर फोकस करिए, तभी आपको अपने अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, तब आपको क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा, नॉट क्वांटिटी। हालांकि अगर आपने अभी अभी खेलना शुरू किया है, मतलब आप अभी एक बिगिनर हो, तब आपको इन सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है। लेकिन अगर आपने 2-3 साल खेल लिया, फिर भी आपको अपने गेम में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तब आपको अपने प्रैक्टिस में क्वालिटी लाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला भी, अपने प्रैक्टिस में क्वालिटी लाना पड़ता है। तो सिर्फ आपको क्वांटिटी के ऊपर फोकस करके प्रैक्टिस करते रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो अपने प्रैक्टिस में क्वालिटी लाना ज़रूरी है। अगर उसके बाद मैं आपसे एक और बात शेयर करूँ, तो बहुत सारे प्लेयर्स का अपना गेम इम्प्रूव ना हो पाने का एक रीज़न ये भी होता है कि वो अपने आप से काफ़ी प्रेशर लेता है। वो जाने अनजाने में उसका माइंडसेट भी कुछ इस प्रकार से क्रिएट हो जाता है, अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर मैं अच्छे से बॉलिंग नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर मैं बैटिंग में रन नहीं बना पाया तो क्या होगा। तो इस प्रकार से वो अपना माइंडसेट क्रिएट हो जाता है जाने अनजाने में, तो अपने आप से ही काफ़ी प्रेशर लेने लगते हैं। उसकी वजह से वो अपने गेम को एंजॉय नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से उससे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं निकलता। मैं आपको या फिर मेरे को अच्छा अगर परफॉर्मेंस देना है, तो फालतू में अपने आप से इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने गेम को एंजॉय करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अकेडमी जाके आप 2-4 दोस्तों से मिले और फालतू में कुछ बातें करके एंजॉय किया, उस एंजॉय की मैं आपको बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने विकेट लिया, सिक्स मारा, अपने एक अच्छा शॉट लगाया, उसके बाद जो फीलिंग है, उस फीलिंग को आपको एंजॉय करना सीखना पड़ेगा, तभी आपका गेम इम्प्रूव होगा। क्रिकेट को आप ऐसे सीरियस तरीके से नहीं खेल सकते, आपको उसको एंजॉय कर करके सीखना पड़ेगा। तो अगर आपको मोटिवेटेड रहना है, तो आपको गेम को एंजॉय करना सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही थी कुछ बातें जो कि मुझे लगता है आप लोगों को समझ लेना ज़रूरी है। तो मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है, क्वांटिटी भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी पे अगर आप फोकस करते हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है।
अगर आप सोचते रहे कि मैं अगर दिन भर प्रैक्टिस करता रहूँ कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुन के, मोटिवेशनल वीडियोस देख के, तब मेरा गेम इम्प्रूव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने दायित्व पर फोकस करना पड़ेगा, आपको अपना स्मार्ट तरीके से वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को बॉडी को फिट रखना पड़ेगा। सिर्फ प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं मिलने वाला, तो स्मार्ट वर्क भी आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, आपको क्वालिटी भी लाना पड़ेगा, तभी आपका गेम इम्प्रूव हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से सीख मिली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक हमको मोटिवेट करता है आगे भी और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। तो मैं आगे भी कोशिश करूँगा महीने में इस प्रकार की एक मोटिवेशनल और आपको समझाने की वीडियो बना पाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इस प्रकार का वीडियो सबसे मिस ना हो पाए। तो आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है सीधा जाके कमेंट में लिख डालो, ताकि मुझे भी आपकी मन की बात पता चल सके। तो आपको अगर लग रहा है आपके किसी फ्रेंड को इस प्रकार की वीडियोस की ज़रूरत है, तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, इम्प्रूव योरसेल्फ एंड एन्जॉय योर गेम।